नमस्कार दोस्तों, सभी को हैप्पी न्यू ईयर रोबोटिक्स कांति की तरफ से। तो आज हम लोग बनाएंगे आसानी से किस प्रकार से घर पे पीसीबी बना सकते हैं। मतलब हम लोग चाइना से या कई और से कई कंपनी से हम लोग ऑर्डर करते हैं पीसीबी, लेकिन हम लोग घर पे कम रेट पे आसानी से किस प्रकार से एक पीसीबी बना सकते हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, देखते रहिए वीडियो। मैं हूं कांति और रोबोटिक्स कांति में आप लोगों का स्वागत है। तो पहले हम लोग किसी भी पीसीबी मेकर से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, इसको हम लोग प्रिंट आउट करेंगे पीडीएफ पे, ठीक है। तो पीडीएफ पे जब भी हम लोग सेव करेंगे, तो सेव होने के बाद इसको हम लोग खोलेंगे पीडीएफ को। खोल के तो टॉप वाला जो है उसको हम लोग खोलेंगे, टॉप का जो लेयर है इसको हम लोग प्रिंट आउट लेंगे। तो प्रिंट आउट लेने के बाद, तो जब भी ये प्रिंट आउट कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पेपर को हम लोग काट कर इसको पीसीबी पे लगाएंगे। तो इसको ठीक तरीके से काटना होगा। काट लेने के बाद जो पीसीबी का बोर्ड है, जो ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएगा, इसका जो लेयर है, लेयर के ऊपर हम लोग इसको लगाएंगे। मतलब इसको उल्टा करके हम लोग इसको फिट करेंगे। तो फिट करने से पहले इस पीसीबी को हम लोग काट लेते हैं, इसका साइज कर लेते हैं पहले। तो इसको काटने के बाद, तो अभी हम लोग इसका साइज़ देखिए, ये हो गया है, एक छोटा सा साइज़ हो गया है। तो इस पर हम लोग इस प्रिंटआउट को उल्टा करके लगाएंगे। इससे पहले हम लोग इसको घिस कर इसको साफ़ कर लेते हैं पहले। तो इसको अच्छी तरह घिस कर इसको साफ़ करना होगा, उसके बाद ये जो प्रिंटआउट है इसके ऊपर हम लोग इस पीसीबी को अच्छी तरह लगा देंगे। तो लगाने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरह फिटिंग करेंगे। करने के बाद कोई भी हॉट गन या फिर जो आयरन है, इससे हम लोग इसको हीट करेंगे। करीबन 10 मिनट तक इसको हीट करना होगा। तो हीट करने के बाद जब अच्छी तरह ये लग जाएगा, तो इसको हम लोग खोलेंगे। तो खोलने के बाद पानी के अंदर इसको डालेंगे। तो पानी में इसको डालने के बाद 5 मिनट तक इसको भिगाएंगे। तो भीगने के बाद हम लोग इसको साफ़ कर देंगे। इसका जो पेपर है, इस पेपर को हम लोग साफ़ कर देंगे। तो पेपर को साफ़ करने के बाद इसके अंदर जो प्रिंटआउट है, वो प्रिंटआउट पीसीबी पे अच्छी तरह लग जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों को दूसरा काम करना होगा। तो देखिए, हमने इसको लगा दिया, अभी अच्छी तरह ये चिपक गया है पीसीबी पे। तो इसको हम लोग अच्छी तरह साफ़ करके पानी के अंदर फेरिक क्लोराइड मिलाएंगे, जो कि आप लोगों को ऑनलाइन पे आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये फेरिक क्लोराइड एक केमिकल है, इसलिए सेफ्टी को ध्यान रखिएगा। तो अभी फेरिक क्लोराइड पे पीसीबी को डालेंगे, करीबन 30 मिनट तक ये इस पर भिगाएंगे। तो ये अच्छी तरह भीगने के बाद पीसीबी को पानी से वॉश करेंगे। अच्छी तरह वॉश करना होगा, जो इंक कलर है वो इंक कलर उठना चाहिए। तो इसको हम लोग अच्छी तरह वॉश करने के बाद देखिए, पीसीबी पे अच्छी तरह लेयर बन गया है। और अभी हम लोग इसको ड्रिलिंग करेंगे, मतलब जहाँ पे पिन लगाएंगे वहाँ पे ड्रिलिंग करना होगा। तो ड्रिलिंग हम लोग करते हैं, एक एक करके सभी को ड्रिलिंग करेंगे। तो ड्रिलिंग होने के बाद देखिए, इस पीसीबी का जितना कंपोनेंट है, सभी कंपोनेंट एक एक करके हम लोग फिट करेंगे। सभी कंपोनेंट एक एक करके फिट होने के बाद, इसको सोल्डरिंग होने के बाद हम लोग इसका जो सर्किट है, इस सर्किट को चलाएंगे और अच्छी तरह ये चलेगा। तो देखिएगा, अभी हम लोग इसको ऑन करेंगे। तो पहले हम लोग 3IC जो है इसको फिट कर लेते हैं। इसको फिट होने के बाद ये सर्किट स्टेबल मोड पे चलेगा। तो अभी इसका पावर देंगे हम लोग, 3IC फिट कर दिया। तो इसका जो पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसको पावर देने के बाद 9 वोल्ट का पावर देते हैं। अभी देखिए, जो लाइट है वो स्टेबल मोड पे ये चल रहा है, मतलब ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसका जो वॉल्यूम है, इसको आप कंट्रोल करने के बाद ये स्पीड ज़्यादा होगा कम होगा, इस तरह आप कर सकते हैं। तो इस सर्किट का जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, जो 10K का वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग मूविंग करेंगे, तो इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो मूविंग करेगा। मतलब देखिए, जो इस तरह घुमाएंगे तो लाइट का स्पीड घट रहा है और बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको मूविंग करके अलग अलग फ्रीक्वेंसी इस पर डाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग एक अच्छा पीसीबी बना सकते हैं। और अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।
you.